ਰਸ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ ਤੂੰ ਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਆ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁਨੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਸਲੂਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ बहुत ही अपना सारे वर्ग को दबाना चाहती है तो साड़ी सारे यही गुजारिश है कि कल को अपना कोई भी मौका ना दो सरकार को कि अपने पर कोई एक्शन लवे कि इस करके आप पीसफुल रखना है सारा मोर्चा परेड होगा ना जब 26 जनवरी को वहाँ पर दिल्ली में लाल किला में तो ये परेड पूरा पूरा संसार में जाना जाएगा तो हाँ भाई ये यहाँ पर कोई धरना हुआ है पता नहीं क्यों दिखाना चाहती है कि ये केवल पंजाब और हरियाणा के किसान बैठे हैं जबकि देश भर में कल तमिलनाडु से उड़ीसा से कर्नाटक से भी किसान निकल रहे हैं ये जो 26 का पहले प्रोग्राम दिया हुआ है और जो रूल तय किए किए हुए हैं ये तो एज इट इज उन्हीं को फॉलो किया जाएगा अभी ये मार्च क्योंकि ट्रैक्टरों की संख्या और लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है तो ये एक दिन में तो होगा नहीं ये 26 से शुरू होकर हो सकता है 27 को निपटे 28 को